हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डॉक्टर एनवायर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, पहले इसमें जो स्ट्रक्चर में आता है वो आता है फ्लाइजला। फ्लाइजला जो बना होता है वो एक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है फ्लाइजलिन। तो ये फ्लाइजला जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लाइजला कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया टुवर्ड्स केमिकल ग्रेडियंट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। जो फ्लाइजलर मोशन जो होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, इसमें एनर्जी एक्सपेंड होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपीएस से। उसके बाद जो कंपोनेंट होता है, जो स्पॉट होता है प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल का, वो है कैप्सूल। कैप्सूल आउटर मोस्ट लेयर होता है एक बैक्टीरियल सेल का, तो ये पॉलीसेक्राइड का बना होता है। और ये जो कैप्सूल होता है ये इम्परमीएबल होता है वाटर एंड एक्वा सॉल्वेंट्स का। इसके बाद जो पोर्शन आता है सेल या बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का, वो है सेल वॉल। सेल वॉल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हैनस क्रिस्टियन ग्रॉन। उन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया या डिफरेंशिएट किया है, किसमें? ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में। तो ये किस बेस पे उसने बैक्टीरिया को दो क्लास में डिवाइड किया है? ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। तो उसने क्या किया है, एक बैक्टीरियल सैंपल लिया है, मतलब एक बैक्टीरिया लिया है, उसको स्टेन किया है। किससे स्टेन किया है? जो डाई उसने लिया है क्रिस्टल वायलेट और सेफेरिन लिया है। इसके बाद ये जो इसको वॉश किया है एस्टोन और एल्कोहल से। बैक्टीरिया लीव द स्टेन। जो बैक्टीरिया जिस जितने भी बैक्टीरिया थे जिनने स्टेन को लीव किया है, उसने उन बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला है। और जिनमें स्टेन रह गया और जिनमें या बैक्टीरिया रिटेन्स द स्टेन, उनको उसने बोला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इस सेल वॉल को हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।